शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुमार, जिसकी मजबूत बाहें जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करेंगी। अरे जिंदगी भर तो दूर, ये तो एक रात भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। तुम जैसी लड़कियां जिन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं, उनकी इज्जत का रखवाला ऐसा ही होगा। तुम क्या मेरी मोहब्बत को ठुकराओगी? मेरी मोहब्बत तो दूर, तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं। रमा, 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 कल रात जो कुछ हुआ, दरअसल मैं होश में नहीं था रमा। अपने दोस्तों की बदसलूकी के लिए मैं माफी चाहता हूँ रमा। बदसलूकी? मेरा तो ख्याल था कि ये तुम्हारे खानदान की कोई महान परंपरा होगी कि दुल्हन को पहले दूल्हे के दोस्तों की रखेल बनना पड़ता है। रमा, चिल्लाओ मत। तुम जैसे कमजोर आदमी अपनी कमजोरी का एहसास दिलाने पर आवाज उठाने के अलावा
और कर भी क्या सकते हो। तुम हद से आगे बढ़ रही हो रामा, ये मत भूलो कि तुम मेरी मंगेतर हो। मंगेतर? और तुम्हारी? अगर मेरे ताऊजी को पता चल गया कि भवानीपुर की शान ने किशनगढ़ की जान के साथ क्या सलूक किया है तो खून की नदियां बह जाएंगी, वो भवानीपुर के साथ साथ तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे। शिकार? हाँ, इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प। अच्छा, और रुपेश वो कैसा? ताऊ जी, इस शिकार में हमने शेर और गीदड़ का फर्क अच्छी तरह जाना। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? सोचा नहीं, हमने फैसला कर लिया है। वेरी गुड, तो फिर मैं इतनी भी जल्दी क्या है ताऊ जी, वक्त आने पर हम आपको बता देंगे कि आहा, वक्त आने पर। आहा, मैं तो पहले से ही जानता था जिसका संबंध राज घराने से हो, उठना बैठना हो, ऐसे घर में हमारी बेटी अगर बहू बनकर जाएगी तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। जरूर जरूर। लालाजी, आपका बेटा लाखों में एक है, लाखों में एक। और चाल चलन के तो क्या कहने, आपका बेटा गुणों की तिजोरी है, तिजोरी। तिजोरी तो है ही, इसलिए तो मैंने उसका नाम रुपया रखा है, रुपया। लेकिन एक समस्या है। समस्या? हाँ, देखो भाई, भगवान ने मुझे हीरे जैसा बेटा दिया है, अब इस दुनिया में मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं उसे, वो दहेज, दहेज उससे तो मुझे सख्त नफरत है, घृणा है। मुझे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे हीरे जैसे बेटे को हीरो से, नहीं तो कम से कम सोने से तो तोली दीजिए। सोने से? हाँ, क्यों? अच्छा, सोना नहीं, कम से कम चांदी से तो तोली दीजिए। चांदी से? अरे, चांदी भी नहीं, फिर रुपयों से तोल दीजिए। जी, रुपयों से? अरे क्या फटीचर लोग हैं, माल नहीं घर में और मेरे बेटे से शादी करने निकले। चलो निकलो यहाँ से, पकड़ो अपना रास्ता। ऐसे फकीराना घर में मेरा बेटा क्या जवाई बनकर जाएगा? ऐसे थोड़े ही मैंने उसका नाम रखा है रुपया। क्या सोच रही हो? जो बचपन से आज तक अनाथ हो और आज उसे माँ मिल जाए, डरती हूँ शायद माँ ने मुझे ना पसंद कर दिया तो। मुझे मेरे प्यार पर और मेरी माँ को मेरे विश्वास पर पूरा भरोसा है। पटवारे, ये जगह काफी खूबसूरत है, हमें पसंद है, जिसकी भी हो उसे कह दो
ये जमीन हमने खरीद ली। पटवारी, वो गाड़ी जो वहाँ खड़ी है बहुत खूबसूरत है, हमें पसंद है। जिसकी भी हो उससे कह दो हमने खरीद ली। ये गाड़ी हमारी है और ये जमीन मेरी है, तो बिकाऊ नहीं। तुम हमारी ताकत को आजमा रहे हो, हमें छीनना भी आता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे क्या छीनता है। इतनी जल्दी डर गई तो उम्र भर निभाओगी कैसे? प्यार तो कर बैठी लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता है मैं ये प्यार निभा ना सकूं। निभा नहीं सकती तो ये रिश्ता जोड़ क्यों रही हो? खिलवाड़ करने के लिए, वादा करके तोड़ जाने के लिए? तुम्हारे प्यार की गहराई को आजमा रही थी, देखना चाहती थी कि कल अगर हालात के सामने मेरे कदम डगमगाए तो क्या तुम मेरी मोहब्बत को गिरने दोगे, क्या संभालोगे? तो आजमा चुकी। अजय, तुम्हारे प्यार का जुनून अब मेरी मोहब्बत का इम्तिहान बन चुका है। आई लव यू अजय। ज़्यादा हमारी हुकूमत का अपमान करके गालिब पोत किया हमारे मुंह पर और आप कहते हैं कि सब्र करो, क्यों भाई साहब? इसका जवाब तो हम देंगे और अपने ढंग से देंगे। कब देंगे? कब? जब वो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुका होगा तब। इस खानदान की इज्जत की धज्जियां तो वो पहले से उड़ा चुका है, रमा को अपने प्यार के जाल में फांस कर। रमेश, अगर ये झूठ निकला तो तेरे जिस्म से खून की जगह बारूद बहेगा। ये गोलियां उसके लिए बचा के रखिए जो आपकी इज्जत से खेल रहा है। मुझ पे जाया करने से कोई फायदा नहीं। रमा इस घराने की इज्जत और मेरी होने वाली मंगेतर इस वक्त उसी हरामजादे के घर में रंग रलिया मना रही है और इस महल की शान और शौकत को अपने पैरों तले रौंद रही है। माँ, देख तुझे मिलने कौन आया है। रमा। माँ जी, जुग जुग जियो बेटी। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन समझ गया माँ, तुम्हारा डर राजा साहब है और मेरी हिम्मत तुम हो। लेकिन बेटे, राजा साहब जीते जी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। माँ, ये रिश्ते भगवान बनाता है ना माँ। तुम समझते क्यों नहीं, कहीं तुम्हारी जिद और उनका अहंकार खून की नदियां ना बहा दे। माँ, मुझे वो भी मंजूर है। ठीक है, जब तुम दोनों ने एक होने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जी तो चाहता है आज ही तुझे दुल्हन बनाकर इस घर में ले आओ। मगर भाभी, एक मिनट। भैया का ना एक प्रॉब्लम है, उनका कहना है कि जब तक मैं इस घर से दफा ना हो जाऊं वो शादी नहीं करेंगे। ठीक ही तो कहा है तुम्हारे भैया ने। ओहो भाभी, आप भी भैया की बातों में आ गए। Thank you.
आज तक किसी की भी हमारी आंख में आंख डालकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। आज तक किसी ने हमारे खानदान की आबरू पर हाथ नहीं डाला। आज तक किसी ने हमारी हुकूमत को ललकारने की जुर्रत नहीं की। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो कभी नहीं हुआ वो चलो आज हो गया। खामोश और नजरें झुका के बात कर। शायद तू भूल गया कि हम लोग कौन हैं। आप सिर्फ उस लड़की के ताऊ हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। वैसे भी लड़की वाले ही रिश्ता लेकर आते हैं। तू रिश्ता जोड़ेगा हमारे खानदान से? तू हमारे दरमियान के इस फासले को मिटाने के ख्वाब देख रहा है? तू प्यार हर फासले को मिटा देता है। कभी नहीं हो सकता। सारी उम्र कोशिश करता रहे तो भी ये फासला दूर नहीं हो सकता। हम तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे। देवा मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई खून खराबा हो। तमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं मेरी अमानत आपको सौंप रहा हूं। आप रमा को लेने आए हैं, ले जाइए। मैं उसे लेने आऊंगा बारात लेकर। भागन जिसके श्राप का पहला कहर आज तुम पर टूटा है, जिसके आंसुओं की पहली बूंद तेजाब बनकर आज तुम पर बरसी है। मेरे कलेजे से निकली हुई हाय तुम सबको बर्बाद करके छोड़ेगी। तेरे तमाचे में वो दम नहीं रहा रणबीर। देख क्या रहे हो? जोर लगा के पेड़ काटाओ। जोर लगाकर तो तुम यहाँ से चले ही जाओगे, मगर उस तूफान का मुकाबला कैसे करोगे जो तुम्हारे महल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? चलो। अरे जाओ जाओ राजा साहब, तुम हार जाओगे, हार जाओगे।